राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है और जयपुर की हवामहल विधानसभा क्षेत्र से एक बाबा चुनकर आए हैं बाल मुकुंद आचार्य। विधायक बनते ही जब प्रमाण पत्र मिला और सीधे एक्शन में आए हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई करवा रहे हैं और खासतौर पर वो टारगेट जो मीट दुकानें हैं, जो मीट के थैले हैं वहां पर वो बात करें कि जो गौ मांस है सफेद मांस वो बेचा जा रहा है, ऐसे में वो कार्रवाई करवा रहे हैं। पुलिस की बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियां खड़ी है और एहतियात के तौर पर यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है क्योंकि पास में ही मस्जिद है और मस्जिद के सटे थोड़ी सी दूरी पर ये मीट की शॉप है जहाँ पर कार्रवाई की गई है। ये जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं उनको यहाँ पर ये शाम के टाइम यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है लेकिन यहाँ पर अभी सन्नाटा है क्योंकि जो काम करने वाले जो यहाँ पर है इसके मालिक हो चाहे दूसरे कारीगर हो वो बाहर खड़े हैं, बल्कि यहाँ पर जो काम होता था रोजाना की तरह वो एकाएक बंद हो गया है। कार्रवाई एक तरह से कह रही कार्रवाई चल रही है और जो मीट बनाने वाले हैं उस पर रोक लगा दी गई है। क्यों ऐसा हुआ, किस तरह से यहाँ के लोग कार्रवाई को देख रहे हैं आम जनता से जानते हैं। क्या कहेंगे, विधायक बनते ही बाबा का एक्शन देखने को मिला है? जी बिल्कुल, बाबा जी का एक्शन भी देखने को मिला है और 70% जो इसकी चिकन की जो दुकानदारी 70% हिंदू जाति की है, 70% दलित खाते हैं, सभी जाति खाती है इसमें दुकानदारी। मियाँ की तो क्या दुकानदारी 20% है, वरना 70% तो दुकानदारी पूरी हिंदू जाति की है। इसमें कोई करने से कोई वो नहीं है, खुला बिक रहा आज नहीं सालों से बिक रहा, 50 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल, पहली बार थोड़ी सरकार आई, पहली बार थोड़ी आए हैं बाबा जी, सभी विधायक रहे, यहाँ तो खुला बिकता। वो बोले कि यहाँ पर सफेद मांस बेचा जा रहा है। सफेद मांस के गलत है वो तो अफवाहें हैं, बेफल माहौल इनका क्या होगा, प्रशासन परेशान होगी भाई, माहौल खराब होगा प्रशासन परेशान होगी, आम जनता परेशान होगी, हमारे धंधे खत्म होंगे, रोजगार खत्म होंगे, आम जनता भूखी मरेगी, कर्फ्यू लगेंगे, कोई भी कारण होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि माहौल खराब हो। किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को आप? सही है कार्रवाई अगर व्यवस्था से चले तो, पर इस तरह के आरोप लगाना वगैरह गलत व्यवस्था है। सफेद मांस वगैरह जिस तरह से आप बता रहे हैं वो विधायक का आरोप है, विधायक का आरोप होगा तो गलत आरोप है क्योंकि सालों से ये व्यवस्था चल रही है। वो बोले कहीं दुकानें अवैध है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। नहीं, अवैध किस प्रकार से अवैध है? कह रहे हैं कि जो जो लाइसेंस है बिना लाइसेंस की कई दुकानें चल रही है, जो है लीगल का तरीके से किया जावे सारी चीज, लीगल तरीके से। देखिए ऐसा है, होटल लाइन है जैसे व्यवस्था हो, FSSI जो प्रमाणित करता है इनको फूड लाइसेंस को, वो चीज करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ और भी है जो यहाँ पर काम करते हैं मजदूर, इनसे बातचीत कर रहे थे, किस तरह से देखते हैं आप? क्यों आप कितने सालों से यहाँ पर काम बंद कर रहे हो ये बताओ? 2 साल से हो गया मेरे को काम। 2 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा मोनिश खान नाम है। अच्छा, आज दुकान क्यों बंद रखी है फिर? आज बाबा जी की थोड़ा कार्रवाई था यहाँ पे, इन चक्कर में दुकानें बंद है, देखो जल्दी से जल्द खुलेगा, अब देखो बाबा क्या कहते हैं, आगे का क्या आदेश है वो बाबा के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोल के गए बाबा यहाँ पे? बाबा यही बोल के गए कि जितने भी बाहर के पटरी वाले रेडी वाले मजदूर लोग काम करते हैं जिस तरीका से, ये पूरा सफाई चाहिए बाबा को, अब बाबा देखो कब तक इस चीज को जनता तक पहुँचाते हैं, फिर साफ सफाई का ध्यान रखते हुए काम करने के लिए बोला गया है। विधायक बनते हैं इस तरह से साफ सफाई, विधायक का ये उनकी अपनी जिम्मेवारी है, अब वो अपने क्षेत्रों में तो देखेंगे ना जो लीगल है या इलीगल है, जो लीगल तरीका से होगा वो आगे के प्रोसेस चलते रह जाओ, या इलीगल है वो जनता को भी समझना चाहिए कि इलीगल है तो उस चीज को हम हटाते हैं, तो ये दिक्कत है और कुछ नहीं दिक्कत है। यूपी में योगी और यहाँ पर ये बाबा चर्चाओं में है, क्यों, क्या वजह है बताओ? क्या क्या कार्रवाई को कैसे देख रहे हो फिर आप? जो अवैध है उनको हटाया जाएगा, जो लीगल है वो चलता रहेगा, बाहर नहीं लगाना, थोड़ा अंदर करके लगाओ बस। अचानक ऐसी कार्रवाई, अब नए नए आया कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना बाबा को, सबको। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कहेंगे? अचानक बाबा कल विधायक का सब प्रमाण पत्र लेते हैं और आज इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। सर ये गलत है, अभी सीट भी नहीं बैठी है, सिर्फ जीते हैं, अभी सीट भी नहीं बैठे, मुख्यमंत्री भी कोई नहीं बना, तो इनको अभी ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो कर रहे हैं अभी। क्या यूपी के बाबा की तरह ये भी बाबा फॉर्म में? फॉर्म में, बिल्कुल फॉर्म में, देखा देखी कर रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं कि मंत्री भी बनेंगे तो। अरे ये सब बनेंगे, ये सब बनेंगे, लेकिन अभी हैंड टू हैंड कार्रवाई करना ही जो कर रहे हैं ना वो गलत है। वो आपकी ये मजदूर लोग आज ठेले लगा रहे हैं, ये परसों से लगते हुए आ रहे हैं,
मीट की दुकान आज से लग रही है क्या? परसों से लग रही है, अभी गलत है ये। कोई बता रहे हैं कि एक बाबा का वीडियो एक और वायरल हुआ है जिसमें बाबा बोल रहे हैं कि वोट नहीं दिया भुगतो। नहीं नहीं, क्या हकीकत? ये मैंने नहीं देखा सर। नहीं देखा? ये मैंने नहीं देखा। बाबा के एक्शन का वीडियो देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ जो अपनी बात है वो कर रहा हूँ। कुछ और भी लोग हैं, कितने साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए? मेरे को तो अभी आया हूँ। मैं तो अभी अभी आया हूँ यहाँ पर। अभी अभी आयो? बाबा की कार्रवाई देखी? नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? नए विधायक तो बन गए, पता है? बिल्कुल पता है, बनाने वाले भी, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे भीड़ लगी है तो पुलिस का सुरक्षा बल जरूरी है क्योंकि माहौल खराब ना हो जाए। बाबा विधायक जरूर बने हैं लेकिन विधायक के बाद जो उनकी कार्रवाई हो रही है उस पर यहाँ के स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बोल रहे हैं लीगल कार्रवाई हो तो निगम के जरिए जरूर करवाएं, लेकिन अचानक विधायक बनने के बाद इस तरह फॉर्म में आकर कार्रवाई करवाना, यहाँ के लोग, यहाँ के जो मीट की शॉप चलाते हैं वो इसको गलत ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको नजारा दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो दंगा नेतृत्व वाहन है वो पुलिस का, वो यहाँ पर तैनात है। पुलिस की चेतक गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात है क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, सबसे ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर जीतता हमेशा ब्राह्मण ही है। और ब्राह्मण चेहरा जो कि बाल मुकुंद आचार्य एकाएक सुर्खियों में आए, 2 महीने पहले मंदिर तोड़ने के विवाद को लेकर वो अचानक सड़कों पर उतरे, ध्रुवीकरण किया और उसके बाद टिकट भाजपा ने दिया, जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के बाद देख सकते हैं किस तरह से बाबा का एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। और जो कार्रवाई का वीडियो आया है उसमें बाबा किस तरह से जो दुकानें हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं दरगाह है, दरगाह, और दरगाह से सटी हुई पूरी ये मीट की दुकानें हैं। मेरे सहयोगी कहूंगा कि आपको यहाँ पर जो अलग अलग नाम की, जो जैसे कि मोहम्मद इसाक मीट शॉप है, ऐसे बहुत सी मीट शॉप है जिनको बंद करवाने के लिए बाबा आज जयपुर के इस विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं। और ऐसे में राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर संभाल रखी है आपने? सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल माकूल है यहाँ पे, थोड़ा सा एक बार तनाव हुआ था, जाब्ता तैनात कर दिया गया है और जो भी विवाद था उनको समझाइश करके अभी शांत कर दिया गया है और जो भी इश्यूज है उनकी जांच की जा रही है। कितनी दुकानें यहाँ पर हटाई गई है, क्या कहा गया है? अभी आके उन्होंने कहा है कि कुछ दुकानों के लाइसेंस नहीं है या दुकानों के बाहर है, तो निगम से इसकी जानकारी ली जा रही है और निगम का दस्ता बुलाया जाएगा। जो जिनके लाइसेंस है वो तो चलेगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जिनके लाइसेंस नहीं है उनकी जांच करके निगम के अधिकारी जो भी कार्रवाई करेंगे, पुलिस उनके साथ रहेगी, बाकी भी यहाँ शांति है। इलाका बहुत सेंसिटिव है, जिम्मेदारी बनती है पुलिस की कानून व्यवस्था बनाए रखना, चुनौती मानते हैं? ना बिल्कुल, जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और जाब्ता तैनात है और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ी जाएगी, ऐसे बिगड़ने नहीं देंगे और बिल्कुल शांति रहेगी। हम भी उम्मीद करते हैं क्योंकि गंगा जमुना तहजीब के लिए जयपुर शहर जाना जाता है, छोटी काशी जो कि, लेकिन कहीं ना कहीं जो इलाके हैं वो बहुत सेंसिटिव है, पुलिस का कर्तव्य बनता है कि यहाँ से शांतिपूर्ण बनाए रखे, इसलिए पुलिस पहले से ही चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लेकिन यहाँ की जनता इस कार्रवाई को लेकर, विधायक के इस एक्शन को लेकर कहीं ना कहीं खफा है।